मेरे चैनल कैसे हैं आप सब। होप सारी बहुत अच्छी होंगी। सो आज है डे 9 ऑफ द लॉकडाउन और लॉकडाउन का 8 दिन गुजर चुका है। आज 9वां दिन है। पता नहीं, बोल तो रहे हैं लॉकडाउन फिर एक्सटेंड होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, लेकिन 8 दिन अभी गुजर चुके हैं और आज है 9वां दिन। आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मतलब होता है ना, डीमोटिवेट हम हो जाते हैं, थोड़ा सा अंदर से लो फील होता है, मन उदास सा होता है, ऐसा ही था। लेकिन कोई चीज़ में अगर डेडिकेशन आ जाए, कोई चीज़ को अगर आप काम की तरह लो, एज ए आपकी जॉब लो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मानती हूँ मुझे इससे कुछ भी पैसा नहीं मिलता, अर्निंग मेरी नहीं हो रही है अभी तक, लेकिन ये अभी मेरा जॉब बन चुका है और कंसिस्टेंसी रखना चाहिए काम में। अपना कंसिस्टेंसी नहीं रखोगी तो कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी एक आ चुकी है अभी। रोज़ ब्लॉग पोस्ट करना, ब्लॉग एडिट करना, ब्लॉग पोस्ट करना, ये एक मज़ा आने लगा है। अगर आप अपने काम को एंजॉय करने लगोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ मज़ा आएगा और उस काम में आप सफलता ज़रूर मिलेगा आपको। तो आई डोंट नो मुझे सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये अब मेरा जॉब बन चुका है। ये अभी मुझे एंजॉयमेंट मैं करने लगी हूँ, एंजॉय करने लगी हूँ, अपने आप में एंजॉय करने लगी हूँ। रोज़ ब्लॉग बनाना, कैमरा के सामने आप लोगों से बातें करना, मुझे नहीं लगता कि कैमरा से मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि सामने आप लोग हैं, आप लोग जो कमेंट्स देते हो, मुझे लगता है वो लोग सारे मेरे सामने हैं, मैं उनसे ही बात कर रही हूँ। तो अभी वही हो चुका है। तो मैं बोला नहीं, ब्लॉग तो बनाना है मुझे, सीरीज़ को ख़त्म नहीं करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, ख़त्म नहीं, अधूरा नहीं छोड़ना है, मुझे कंप्लीट करना है, एक कंसिस्टेंसी लाना है अपने काम में। पहले मैं क्या करती थी, आज एक ब्लॉग डाली, फिर 2 दिन बाद और एक ब्लॉग डाली, फिर 5 दिन बाद और एक ब्लॉग डाली, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो दिखाती थी। लेकिन आपने डेली रूटीन शेयर करना है, डेली लाइफ में जो हो रहा है, डेली लाइफ को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि जो इंटरेस्टिंग है उसे कैप्चर करना है, रोज़ाना को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। तो मैं वही सोची और मोटिवेशन अपने आप आ गया। मेरी एक फ्रेंड मुझे पूछती थी कि तुम हर रोज़ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से लाती हो, पॉजिटिव इतना एनर्जेटिक कैसे रहती हो, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होता क्या? देखिए, प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होता है, प्रॉब्लम हर एक के ज़िंदगी में चल रहा होता है, हर एक रोज़ में एक एक घंटा में प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ होके मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन उससे अगर हम उभर के अपने काम करें, क्योंकि हम जब ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो वो तो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ब्लॉग बनाना क्यों हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं ना, ये भी हमारा जॉब ही है। तो बस इसीलिए कैमरा पकड़ लिया और स्टार्ट हो गई। तो चलिए, अभी बज चुका है 11:30, सुबह का नाश्ता पानी, चाय पानी सब खत्म हो चुका है, और जो घर की साफ सफाई वो सारा भी खत्म हो चुका है। अभी बनाएंगे लंच। लंच में मैंने चावल बिठा रखा है, दाल मेरी हो चुकी है, दाल में चौंक लगाएंगे, और भिंडी मैंने निकाल रखी है, भिंडी की सब्जी बनाएंगे, मसालेदार सब्जी, और देखते हैं क्या कुछ करते हैं, दिन भर क्या कुछ होता है, पता नहीं क्या हो रहा है। रोज़ 11 बजते ही एक बहुत ही तूफान सा हवा आने लगता है और बारिश जोरों की होने लगती है। अच्छा ही लग रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है तो अच्छा ही लग रहा है, ठंडक थोड़ा सा लग रहा है। ये दरवाजे ना खड़क खड़क ऐसे करते हैं ना, डर जाती हूँ, तो अच्छा ही लग रहा है। लेकिन 11 बजते ही कपड़ा सुखाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि मैं ना सुबह धो देती हूँ लेकिन सुखाती हूँ 11 बजे के बाद, मेरी क्लास के बाद ही सुखाने जाती हूँ। तो बस अभी 11 बज चुका है, 11:30 हो चुका है, लेकिन देखिए बारिश हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा कर रखा है बारिश होगी। तो बहुत ही ठंडक लग रहा है, चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा हवा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी चलिए बनाते हैं खाना। लंच रेडी है, चावल, दाल, आलू भिंडी की सब्जी
और बैंगन भाजा। कितना बारिश हो रखा था लेकिन अभी देख सकते हैं कितना क्लियर मौसम है, बहुत ही क्लियर हो गया मौसम। तो मैं सोची सुबह से कपड़ा धोई थी, साफ की थी लेकिन सुखाई नहीं थी, तो सुखा के आ जाते हैं। बहुत ही क्लियर मौसम हो चुका है, एक घंटा करीब बारिश हुआ और अभी बहुत ही क्लियर हो चुका है मौसम। तो कपड़ा थोड़ी सी डाल देते हैं, हवा देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। तो चलिए मैं कपड़ा सुखा लेती हूँ। गाइस अभी हो चुका है 2:30 और मैं आ चुकी हूँ मेरी फेवरेट प्लेस ऑफ द हाउस कॉर्नर पे थोड़ा सा बैठने के लिए और एडिटिंग करूँगी, क्योंकि रात में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती, थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ और दिन में थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर जितना भी बिजी हो मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा खुद को एनर्जेटिक करने के लिए थोड़ा सा मी टाइम, कोई सीरियल्स देख लो या कुछ इंस्टाग्राम रील्स देख लो जो आपको अच्छा लगता है, कुछ एनर्जेटिक बनाने के लिए दिन को। आपको एनर्जेटिक, आप अगर एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो आपके माइंड एनर्जेटिक नहीं रहेगा, तो आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे और पूरी फैमिली को आप खुश नहीं रख सकते। इसलिए मैं खुद को खुश रखती ही रखती हूँ, तो थोड़ा सा मी टाइम मैं स्पेंड करती हूँ रात को, आधा घंटा ज़रूरी है मेरा, तो बस इसीलिए थोड़ा सा एडिटिंग नहीं हो पाता है क्योंकि वॉइस ओवर वगैरह नहीं दे पाती हूँ, और जो कुछ करना होता है वो कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करेंगे एंड ब्लॉग पोस्ट करने का भी टाइम हो चुका है, तो पोस्ट करते हैं और मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइस अभी शाम के 6:30 हो रखा है और दियाबाती करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। दियाबाती नॉर्मली करने के बाद ही मैं आती हूँ शाम का नाश्ता चाय वगैरह के लिए किचन में। कभी कभी चाय जल्दी भी हो जाती है लेकिन आज भी चाय भी नहीं हुई, और आज मौसम हो रखी है पूरी ठंडी ठंडी, मतलब बारिश हो रही थी दिन में तो बहुत ही ठंडी 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 मौसम है, तो किसी पकौड़े तला जाए तो बैटर मैंने रेडी कर लिया है पकौड़े के लिए, तो चले बनाते हैं थोड़े से पकौड़े और उसके साथ चाय, गर्मा गर्म पकौड़े के साथ गर्मा गर्म चाय कुछ हो जाए ठंडी सी मौसम में। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा रखा है और ये बैटर रेडी कर चुकी हूँ, प्याज वाले पकौड़े रेडी करते हैं। चलिए लेती, तो फ्रीज में खराब नहीं होता, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए दो रोटी बच चुका है, इसे मैं क्या करूँगी ना, पापड़ की तरह सेक लूँगी ताकि इजीली खा ले सब और रोटी वेस्ट भी ना हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए इसे कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसे ऐसे ही गर्म तवा पे चढ़ा लेंगे,
ये देखिए गरम तवा पे हम चढ़ा लेंगे और इसे थोड़ी देर सेकेंगे, पूरा कड़क होने तक थोड़ी सी सेकेंगे। तो देख सकते हैं पूरा कड़क कड़क पापड़ बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा कड़क पापड़ बन चुका है। ऐसे पापड़ खाने के लिए ये लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तो ऐसे ही बासी रोटी नहीं खा सकते। ऐसे करके मैं खाती थी पहले, इनको नहीं देती, इन लोगों को बासी रोटी देना मुझे पसंद नहीं है। मैं खा लेती थी क्योंकि वैसे बासी रोटी मैं भी नहीं खा सकती, तो ऐसे करके खाने से मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। तो मेरे से लेके मुझसे लेके ये लोग खाना स्टार्ट किए और अभी इन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही पापड़ सेक देती हूँ, एक दो रोटी जो भी बच जाए ऐसे ही पापड़ बना लेती हूँ और हम लोग इजिली खा लेंगे, इसे ऐसे बैठ के खा लेंगे, तो वेस्ट भी नहीं जाएगा और टेस्टी भी लगता है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा आपको, फिर भी जो कुछ भी हुआ दिन भर में आज मैं थोड़ा थोड़ा दिखाई, कोई इन लोग नहीं आए आज ब्लॉग में ज़्यादा। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नए से फ्रेश से ब्लॉग में। लॉकडाउन डे 10 में क्या क्या होता है इंटरेस्टिंग लाइफ में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं कल वाले नए से फ्रेश से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, स्टे होम स्टे सेफ गाइज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।